बिदासर की ग्राम पंचायत दुमकर में करीब 16 लाख की लागत से बन रही मॉडल तालाब में घंटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि ये मॉडल जलाशय महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें कार्यकारी एजेंसी भी ग्राम पंचायत है, लेकिन अब गंभीर आरोप सरपंच, ग्राम सेवक व जीएन पर लग रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से ये धांधली की जा रही है, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह मर्जी की बात तो ये है कि तालाब का निर्माण शुरू होने से पहले नींव तक नहीं भरी गई और लगातार नकली सीमेंट उपयोग में ली जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विकास अधिकारी हरिराम चौहान ने बताया कि तालाब निर्माण में ग्रामीणों की शिकायतें मिली, जिस पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। नरेगा को काम होना चाहिए, लेबर को ग्राम पंचायत में तालाब को निर्माण हो रहा है, जो लेबर लगा रहा कोने गाँव के, निर्माण है घटिया हो रही है, सीमेंट नकले लगा रहा है, कॉन्क्रीट पहाड़ी बाकी लगा हुआ नहीं, रणदेश्वर पहाड़ी नहीं, गोपाल पर पहाड़ी की लगा रही है कच्चे है बातों, और ना कोई नींव ना है, नींव लगाई को नहीं, लेबर लगा रहे होने शहरी लेबर लगा मिले है, गांव के ग्राम पंचायत की होनी चाहिए लेबर, 15-16 लाख रिपेयर है हमको तो जिम्मा चौको और जैन और अगर हम ग्राम सेवक मिले वक्त है सरपंच साहब है एक बजे नरेगा को काम होना चाहिए, लेबर को जो लेबर हो रही कोई नहीं है, ट्रैक्टर हूँ आपको ट्रैक्टर चार मिनट लगा रहे हैं, तालाब को निर्माण है, बड़ी तालाब को निर्माण हो रही है, अब देख मायने 15-16 लाख रुपया आयड़ा है सरपंच ग्राम से हो गए और जैन मिली भगत आया कहने हो कहने को तो कोई असली नहीं है साहब के सुनाई कहीं को नहीं हो, मैं तो 10 बार जाया तो मन तो लगा है और ना नरेगा होना चाहिए पर नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत दुमकर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मॉडल जो तालाब है उसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, ग्राम पंचायत उसमें कार्यकारी एजेंसी है और उसमें निर्माण कार्य संबंधी पिछले सप्ताह मुझे एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसके लिए मैंने तकनीकी अधिकारियों में एक टीम बनाकर जांच के लिए भेजा हुआ है, जांच अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही जांच आती है तो निश्चित रूप से अगर उसमें अगर कोई इस तरह की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी।